भदोही जनपद में आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जन अधिकारी पार्टी के महिला महासचिव आंचल गौतम व सभी पदाधिकारी गण को पत्रक सौंपा। पत्रक सौंपते हुए अपनी मांगों को डीएम साहब के समक्ष रखा और कहा कि जातिगत जनगणना भागीदारी का आधार है और भागीदारी हमारा अधिकार है, इसलिए जन अधिकार पार्टी संपूर्ण भारत में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग व और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों उद्योगपतियों को कोड़ियों के दाम बेचा जा रहा है, इससे राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति होगी, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पेट्रोल डीजल पर भी अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करे। शिक्षा नीति का विरोध करती हुई जन अधिकार पार्टी पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक साथ एक समान किया जाए, किसानों को खाद व बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाए, बिजली खेत की सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत की व्यवस्था की जाए, वहीं बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो मैं हूं शारदा पांडे, आप देख रहे हैं बीएसएससी 24 न्यूज। आज हम उपस्थित हैं भदोही जनपद के जिला अधिकारी हूं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पे। आइए चलते हैं, बात करते हैं। जन अधिकार पार्टी के लोग आए हैं, डीएम साहब से मिले हैं और क्या बातें हुई, क्या नहीं, क्या डीएम साहब ने आश्वासन इन लोगों को दिया है और किस बात की मुद्दा है ये लेके आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? महिला महासचिव के पद पे हूँ और मेरे जन अधिकार पार्टी का यही उद्देश्य है कि हमारे समाज में या हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे जितने भी जनगणना करवाना है, जाति जनगणना करवाना है कि मतलब हमारे समाज में जितने भी जाति वर्ग के हैं उन लोगों को बराबरी का हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी कृषि विभाग के जितने भी किसानवादियों हैं उनको मुफ्त में खाद पानी और कीटनाशक और बिजली विभाग इनको मुफ्त में मतलब कि दिया जाए। और क्या कहते हैं कि हमारे जन अधिकार पार्टी का तीसरा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में बहुत से लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, उनको रोजगारी दिया जाए। और मतलब फिलहाल में ही हमारे यहाँ पुलिस का भी फॉर्म डाला गया था जो कि बहुत दूर दूर से विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया और एग्जाम का परिणाम यही मिला कि उसको लीक कर दिया गया। यही सरकार मतलब कि कुछ भी ध्यान नहीं दे रही कि हमारे समाज में हमारे लोग को क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे जितने भी समाज में जितने भी जनजाति हैं और जितने भी वर्ग के जातियां हैं, पिछड़े वर्ग की भी जातियां हैं, उनको बताइए 5 किलो राशन दिया जाता है, क्या वो एक महीने में 5 किलो ही राशन खाएंगे? जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनके पास अगर इनकम नहीं है तो वो कहाँ से मतलब कि अपना परिवार चलाएंगे। और हमारे जन अधिकार का मतलब तीसरा चौथा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति जैसे कि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में ये शिक्षा बांट दिया गया है। सरकारी स्कूल में जो कि सिलेबस चेंज है और इंग्लिश मीडियम में सिलेबस चेंज है, हम यही उद्देश्य हमारा है हमारे जन अधिकार पार्टी का कि वो सिलेबस को मतलब कि बराबर में किया जाए, दोनों सिलेबस को एक सिलेबस बनाया जाए जैसे कि इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हमारे सरकारी बच्चे जो पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम से हो जाते हैं और प्राइवेट के जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं अगर दोनों के एग्जाम में बैठाया जाए तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। हमारे जन अधिकार पार्टी का यही उद्देश्य है कि सिलेबस एक किया जाए और हमारे समाज में जितने भी मतलब कि गरीब लोग हैं उन पे ध्यान दिया जाए। और क्या कहते हैं कि हमारे सहारा कंपनी कितने गरीब लोगों का पैसा जमा करा कर और आज वो मतलब कि भाग गया है या कुछ भी किया हो, लेकिन वो पैसा रिटर्न मिलना चाहिए। हमारे गरीब जितने भी किसान भाई थे या फिर अदरवाइज रोजगार करते थे, उन्होंने मेहनत करके सहारा कंपनी में पैसा अपना इकट्ठा किया था, लेकिन आज वो लोग सहारा कंपनी उनको पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे जन अधिकार पार्टी का यही उद्देश्य है कि उनका पैसा दिया जाए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई।